मुस्लिम समाजाच्या हजरत मोहम्मद पैगंबर यांच्या विरोधात वक्तव्य करून मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखवल्या त्यामुळे मुस्लिम समाजामध्ये संतापाची लाट उसळली असून त्या निषेधार्थ शनिवारी मुस्लिम समाजाच्या महिलांचा भव्य मोर्चा निघाला होता. मुस्लिम समाजाचा रविवारचा उपोषणाचा 9वा दिवस उगवला असून समाजामध्ये जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. सरकार वेळगाडूपणा करत असल्याची तीव्र भावना मुस्लिम समाजात पसरली आहे. त्यामुळे रामगिरी महाराजांना अटक करावी या मागणीसाठी मुस्लिम समाजाचे लोक आक्रमक झालेत. मात्र यावर कोणतीही कारवाई करत नसल्याने प्रशासन यावर डोळेझाक करत आहे. महाराजांच्या अटकेच्या मागणीसाठी साखळी उपोषणाला 9वा दिवस असून परिसरातील ईद ए मिलादुन्नबी शुभेच्छा बॅनरबाजी करणाऱ्यांवर व पुढारीला काळे फासणार असा सरळ इशारा जोएफ जमादार यांनी दिला. अस्सलाम वालेकुम. आज यहाँ पे हमारे साखळी उपोषण का 9वा दिन है, लेकिन अभी तक कोई राजकीय पुढारी, कोई पक्ष का पदाधिकारी किसी ने हमको आकर यहाँ पर पाठिंबा नहीं दिया. जो सेक्युलर पार्टी के लोग इलेक्शन के टाइम पर हमारे मुसलमानों के पैर धोकर पानी पीते, तलवे चाटते, हमारे को बाप बनाते, इन्होंने अभी तक हमारे को यहाँ पर आकर पाठिंबा नहीं दिया. और तुम्हारे पाठिंबे की हमारे को जरूरत भी नहीं है. अल्लाह का एहसान है, हम सब नौजवान मुसलमान लोग सब भक्कम है. और मैं एक बात कहूंगा कि आने वाली 16 तारीख के दिन ईद मिलादुन्नबी है. ईद मिलादुन्नबी के दिन अगर किसी ने यहाँ पर बोर्ड लगा दिया ना, तो हम वो बोर्ड भी फाड़ लेंगे. और किसी ने हमारे को शुभकामनाएं देने के लिए ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में आना नहीं, ये बात नोट करो, नहीं तो तुम्हारे मुंह पर काली पोछी जाएंगी और आते के साथ तुम्हारे को चपला का हार डाला जाएगा, ये बात याद रखो.